चिकित्सा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से करते हैं और रोगी को चेक करना और एक महीने की दवाई निःशुल्क इस कैंप में दी जाती है। आज की इस युग में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति बहुत ही अच्छा काम कर रही है। हीरानंद गुलबानी की धर्मपत्नी स्वर्गीय रुक्मणी गुलबानी की स्मृति में विशाल निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर के दौरान 72 रोगियों ने स्वास्थ्य लाभ लेकर औषधि की प्राप्त। तीर्थ नगरी पुष्कर के प्रेम प्रकाश आश्रम में रविवार को स्वामी हृदयाराम महाराज की अनुकंपा और संत हनुमान दास उदासीन की प्रेरणा से अजमेर निवासी हीरानंद गुलबानी की धर्मपत्नी स्वर्गीय रुक्मणी गुलबानी की स्मृति में विशाल निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा और औषधि वितरण शिविर आयोजित किया गया। प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित इस चिकित्सा शिविर में प्रख्यात वैद्य पवन कुमार शर्मा एवं प्रभारी कैलाश सिंह रत्नू ने अपनी सेवाएं दी। शिविर के दौरान 72 रोगियों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। शिविर के दौरान गठिया, मधुमेह, दमा, खांसी, लीवर, पथरी, गैस, कमर दर्द एवं सभी प्रकार के दर्द का निःशुल्क इलाज किया गया। शिविर के दौरान प्रत्येक मरीज को 30 दिन की दवाइयों का निःशुल्क वितरण भी किया गया। इस दौरान पुष्कर कस्बे के समाजसेवी अमित भट्ट और उनके पुलिस मित्र टीम का विशेष सहयोग रहा। इसमें शुगर, लीवर, पथरी, गठिया और श्वास इन 5 रोगों का चिकित्सा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से करते हैं और रोगी को चेक करना और एक महीने की दवाई निःशुल्क इस कैंप में दी जाती है। आज की इस युग में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इस चिकित्सा पद्धति से किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट रोगियों को नहीं हो रहे हैं। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का झुकाव लोगों का इस आपाधापी के युग में बढ़ रहा है। कोरोना काल में आयुष मंत्रालय से जो काढ़ा वितरित किया गया वो काढ़ा बहुत ही अच्छा और इस रोग में लाभकारी रहा और कोरोना काल के बाद में आयुर्वेद का झुकाव तो सब चल रहा है, कोरोना के बाद में और लोगों का झुकाव इसका इस पद्धति की ओर हुआ है। एक से 1.5 साल से लगातार अजमेर के समाजसेवी हीरो हीरानंद गुलाबानी जी द्वारा निःशुल्क आयुर्वेद और के शिविर लगाए जा रहे हैं, जिससे पुष्कर और आसपास की जनता को लाभ भी प्राप्त हो रहा है। अब तक हजारों रोगी यहाँ लाभान्वित हो चुके हैं और भारत आयुर्वेद परिषद से पवन शर्मा जी जो है वैद्य ये यहाँ पर उपचार कर रहे हैं।